मैंने कहा ना, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपनी गलती सुधारने आई हूं और मैं पूरी कोशिश करूंगी अमीर। फिर चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आप नहीं जानते, मैंने तो इससे भी मुश्किल समय गुजारा है। बेवजह मेहनत मत करो। ये बेवजह नहीं है और मेरे पास अभी वक्त है। आप मुझे माफ करेंगे चाहे मुझे अपनी पूरी जिंदगी इंतजार क्यों ना करना पड़े। शर्म लड़की, एमिर चाहता ही नहीं है कि वो यहाँ रहे, फिर भी उसके सामने मंडराती रहती है। ये अपने घर वापस क्यों नहीं चली जाती? ये सब कुछ अचानक हुआ था। मैं सही समय का इंतजार कर रहा था जब मैं आपको इस बारे में बता सकूं। तुम्हें कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। हॉस्पिटल में तुम रेहान के दोस्त के तौर पर मिली थी, पर तुम तो केमाल की पत्नी निकली। कहना पड़ेगा मुझे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, पर मैं इससे बहुत खुश हूं। मुझे पक्का पता है तुम भी रेहान की दोस्त उसी की तरह समझदार, शालीन और वेल मैनर्ड हो। और केमाल, तुम सच में, तुमसे तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूं कि तुमने इतना जरूरी फैसला इतनी जल्दी ले लिया। थैंक यू सहरिया। एंजॉय कीजिए। मैं दूसरी बना देती हूं। मिस्टर एमिर के लिए आया है। क्या है ये? ये मिस्टर एमिर के लिए है, मैं उन्हें देने जा रही हूँ। निगार, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, इसे ले जाने से पहले तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? चाय पीकर अच्छा लगेगा।
रियान दी, आप इतनी दुखी क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? रियान दी, कुछ बोलिए ना। नहीं नहीं ज़ेदा, कुछ नहीं हुआ है। कोर्ट का डिसीजन अभी तक नहीं आया? हाँ, हम अभी नेक्स्ट ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। मसल को अभी तक हमने कुछ नहीं बताया। ये तुमने सही किया। काश मैं अभी इसी वक्त उसे देख सकता। वो स्कूल से कब आएगी? वो दोपहर में आएगी। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना कल तुम मसल और नारिन के साथ डिनर पर आओ, मैं भी अपनी भतीजी के साथ खेल लूंगा। हालांकि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर क्या हम ये किसी और दिन नहीं रख सकते? सब कुछ इतना जल्दी हो गया, नरेन भी थोड़ी थकी हुई है। अब तुम ऐसे जरूरी डिसीजन अकेले नहीं ले सकते, अब तुम भी इसके आदी हो जाओ। चलो अपनी पत्नी से भी पूछ लो, हम उसकी भी राय लेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं ना समझने जैसा क्या है? बॉस ने तुम्हें बुलाया है, आमने सामने बात करना चाहते हैं। क्यों, क्या हुआ है? मुझे कैसे पता होगा, तुम बॉस से ही पूछ लेना। वो कह रहे हैं बहुत जरूरी है। हे ऊपर वाले, क्या तारीख में कोई चेंज है क्या? मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए। अगर कैप्टन को पता चल गया ना तो वो हमें मार डालेगा। क्या तुम जानते हो, एक बार लड़की को यॉट में ले जाने के बाद हम पैसों में खेलेंगे। ज्यादा सोचो मत। कैसे कर सकती है? वेलकम होम। क्या तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। क्या समझना इतना मुश्किल है? दूर हटो। बार कहा तुम्हें, समझ नहीं आ रहा है क्या? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, समझ गए तुम मेरी बात? देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि आपको मुझसे प्यार नहीं है तो मैं आप पर भरोसा नहीं करूंगी। हाँ, मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की,
लेकिन मैं अपनी गलती को सुधारूंगी। फिर चाहे कितना भी वक्त क्यों ना लगे, मैं सब्र रखूंगी अमीर। हाँ, कोशिश तो करूंगी। मुझे तुमसे प्यार नहीं। तुम अपने आप को धोखा दे रही हो। इसे जोड़ कर दिखाओ, देखते हैं कि ये पहले जैसा होता है या नहीं। आपको साबित करके दिखाऊंगी। वो जल्द ही देखेगी कि हमारे रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। वो देखेगी और चली जाएगी। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? क्या तुम समझी नहीं जो मैंने तुमसे एक मिनट पहले कहा था? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। निकल जाओ यहां से। तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो। हाँ हाँ, तुम जानबूझकर मुझे पागल करना चाहती हो। तुम सिर्फ यही चाहती हो, है ना? नहीं, ये सही नहीं है। आपको खुद इसका समाधान ढूंढना होगा। मैं कहीं नहीं जा रही। नादिन, मैंने कमल से भी कह दिया तुम दोनों कल डिनर के लिए आ रहे हो, तो अब ये एक तरह का जश्न होगा। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। नानी, क्या हुआ? तुम थकी नहीं क्या? तो फिर कल मिलते हैं। बाय। भैया, आमिर अभी तक ठीक भी नहीं हुआ। क्या सच में हम इसे पोस्टपोन नहीं? उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं लेट हो रही हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बताऊंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम अपने काम पर ध्यान दो, ठीक है? मैं घर पर आराम ही कर रहा हूं। मैं हॉस्पिटल में भी नहीं हूं, मैं घर पर हूं। तुम परेशान मत हो, वो मेरा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। वो यहीं पर है। जब मैं हॉस्पिटल में था तब भी उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तुम तो जानते हो, वो सुना का भी ख्याल रखती है। उसने हमारी बहुत मदद की। ओके, थैंक्स। निगार, एमिर की बेडशीट बदल देगी। मुझे दे दो, मैं बदल दूंगी। मैं बदल देती हूँ, मुझे बस थोड़ा ही वक्त लगेगा। अभी वो आराम कर रहे हैं, मैं बाद में बदल दूंगी, मुझे दे दो। वो आराम कर रहा है और तुम दोनों उसके कमरे के बाहर बहस कर रही हो। रेहान, उसे किसी तरह का स्ट्रेस नहीं देना है। वैसे भी हम सब यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सही कहा, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही ज्यादा आवाज होगी।
और वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए जब वो उठेंगे तब मैं बेडशीट बदल दूंगी। ऐसा लगता है कि अब वो घर छोड़कर ही नहीं जाएगी। तुम इन बातों के बजाय अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देती? हाँ, जाकर मिसेज मेलिके की किचन में हेल्प करो। चलो जाओ यहाँ से। जरूर मिसेस जेमरे। नहीं रिहान, मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी, कभी भी नहीं। तुम्हें वापस जाना होगा। तुम जहां से आई हो वहीं तुम्हें वापस जाना होगा। तुम इस घर में नहीं रह सकती रिहान। क्या आप उठ सकते हैं? मुझे बेडशीट चेंज करनी है। बेडशीट कल ही चेंज की थी। आपको पसीना आया होगा। मुझे पसीना नहीं आया। आप बस 2 मिनट दीजिए, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैं जल्दी से चेंज कर दूंगी। मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं। और मैंने कहा बेडशीट चेंज करनी है तो करनी है। क्या हो जाएगा अगर तुम चेंज ना करो तो? क्या मैं मर जाऊंगा? ऐसा मत बोलिए प्लीज। तुम मुझे मत बताओ कि क्या बोलना है मुझे। हम बेडशीट चेंज करने की बात कर रहे थे और आप कहां से कहां पहुंच गए। देखिए, मतलब तुम हार नहीं मानोगी, है ना? मैं भी देखती हूं मुझे क्या करना है। ऊपर से ये कॉल करना नहीं छोड़ती। मेरी लाइफ में पहले ही मुसीबतें कम है क्या? हाँ जावेदाना आंटी, बोलिए। चैमरी माय डियर, मैंने सुना कि एमएल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। जब तुमने मुझे कॉल नहीं किया तो मैंने कर लिया। हाँ हाँ हाँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला। पहले तो सिर्फ सुना थी, अब एमएल भी है जिसका मुझे ख्याल रखना है, तो आप समझ सकती है ना? बहुत बिजी हूँ। तुम क्या सोच रहे हो? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वहाँ तुम्हें परेशान करने वाला कोई नहीं होगा, ना तो वो लड़की और ना ही तुम्हारी मॉम। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हो। रेहान तो फिर भी बाहर वाली थी, पर तुम्हारी मॉम, उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। मैं समझ सकती हूँ अगर तुम उनसे मिलना नहीं चाहते, उन्होंने काम ही ऐसा किया है। अब चलो। हाँ माय डियर, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वेल, मैं एमिर से कब मिल सकती हूँ? तुम्हारे पास कोई प्लान है? अभी तो नहीं आंटी, कोई प्लान बनाऊंगी तो आपको कॉल करूंगी। अच्छा, मुझे एमिर को दवाइयां देने जाना है, मैं फोन रखती हूँ। पहले तो मुझे बस एक से निपटना था, पर अब दो हैं, मैं तो इन सब से तंग आ गई हूँ। क्या किसी ने भी घर पर वो लेटर नहीं पढ़ा?
जेमरे, तुम कहाँ हो जेमरे, तुम कहाँ हो जेमरे, कहाँ हो जेमरे? सुना? जेमरे, तुम कहाँ हो? जेमरे, कहाँ हो? जेमरे, इसे क्या हो गया? जेमरे, तुम कहाँ हो? सुना, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। हाँ, अपनी आंखें खोलो, सुना मेरी बात, सुनो, सब ठीक है। तुम सब ठीक है? सुना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, बताओ। सुना, तुमने शायद कोई बुरा सपना देखा, तुम चिल्ला रही थी। बाहर निकल जाओ, जाओ मेरे कमरे से निकल जाओ, अभी के अभी मैं तुम्हें नहीं देख सकती। सुना मेरी बात सुनो, अब सब ठीक है। सुना, चली जाओ यहाँ से, मेरे रूम से निकल जाओ अभी के अभी। देखो अब सब ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, मैंने तुमसे एक बार कहा ना, मैंने तुमसे एक बार कहा कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। ठीक है। तुम क्या, तुम यहाँ से बाहर जाओ, तुम्हें इसकी हालत दिखाई नहीं दे रही क्या? इसे कहो मेरे कमरे से निकल जाओ, इसे कहो ये यहाँ से चली जाए। ठीक है। इससे पहले कि ये और रोना शुरू कर दे, तुम प्लीज यहाँ से बाहर जाओ। तुम इसे और तकलीफ दे रही हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सुना मुझे It's okay. कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना, प्लीज। सुना, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, अब रोना बंद करो। हाँ, शांत हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कहाँ गई वो? मैंने कहा ना, मैं नहीं चाहता, मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगा और चोरियां नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं, नहीं, ना कोई वसूली। मैंने कहा ना, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, हमेशा याद रखना, ठीक है? बाय। भाई, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मैं तो बस आपका आशीर्वाद लेने आया था। मेरा आशीर्वाद लेने? मैं उस दिन चला गया था, लैला ने मुझसे जाने के लिए कहा था, सीधे रास्ते पर कहीं दूर। मैं उसे उसकी कब्र को पीछे छोड़कर कहीं नहीं जा सका, मुझे माफ कर देना। और अब तुम यहां से जाना चाहते हो, यही ना? मैंने लैला से प्रॉमिस किया था, मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा, पता नहीं कि ये सब कर पाऊंगा कि नहीं, पर मैं जरूर करूंगा। नहीं, मैं वापस ही नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भी
अगर मैं नहीं कर पाया तो भी नहीं। मैंने टिकट ले ली है, मैं इज़मिर जाऊंगा। इज़मिर जा रहे हो? मैं अपनी किस्मत वहीं आजमाऊंगा, वहां कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। मैं इससे क्या कहूंगी? तुम्हें क्या बात करनी है? मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जाना है, बताओ। शांत रहो, इतना क्या हुआ है? हम कैप्टन का वेट करें। कहाँ हो तुम? जल्दी करो, हमें जल्दी खत्म करना होगा इससे पहले कि लड़की को शक हो जाए। एक्सीडेंट के बाद जब आपको होश आया तो आपने सबसे पहले किस चीज के बारे में पूछा था? अगर आप चुप रहेंगे तो मैं जवाब देती हूं, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम अपने आप को धोखा दे रही हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इसे जोड़कर देखो, देखते क्या ये पहले जैसा होता है या नहीं। आप सही हैं, पर सुना ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? और ये सिर्फ गुस्सा नहीं, कुछ और भी है। जेम्ब्रे, कहाँ हो तुम? हेलो, मैं रेहान तारहून बोल रही हूँ, क्या मैं सुना तारहून के डॉक्टर से बात कर सकती हूँ? हाँ ठीक है, मैं होल्ड कर रही हूँ। हेलो डॉक्टर सिस्किन, मैं रेहान तारहून बोल रही हूँ, सुना के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ थैंक्स, मैं ठीक हूँ। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सुना की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, उसे बुरे सपने आते हैं, वो कांपने लगती है, सोकर उठने के बाद भी थकी हुई सी लगती है, और मुझे लगता है उसकी दवाइयाँ खत्म हो रही हैं। 10 दिन की दवाइयाँ? नहीं नहीं, उसके पास तो बस 2 ही दिन की दवाइयाँ हैं। अच्छा आप कह रहे हैं तो मैं देख लेती हूँ। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा, मैं उसे आपके पास आने के लिए मना लेती हूँ, आप उसे एक बार देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। जी ठीक है।
मैंने खुद देखा, उस बॉटल में सिर्फ दो ही दवाइयां थी। मिसेस मैली के रुकिए, क्या आपने कहीं जेमरे को देखा है? मैंने अभी अभी उन्हें गार्डन में देखा। अच्छा ठीक है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। मैडम गुस्सा मत कीजिए, मैं आगे से नहीं आऊंगा, मेरा फोन खराब था इसलिए दवाइयाँ देने मैं खुद आ गया। अब बातें बंद करो और दवाइयाँ दो, और आज के बाद यहां मत आना। ठीक है। जेमरे? हाँ बोलो। हम बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, पर किस बारे में? सुना, उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ कुछ दिनों की ही मेहमान हो। सुना की देखभाल करने के लिए मैं हूँ, वैसे भी मैं ही उसे संभालती आ रही हूँ। मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूँगी। क्या होगा अगर वो बाहर घूमने गई और खो जाए तो? उसे लगता है उसे सब पता है, पर वो तो यहां पर नहीं है। बॉस का फोन आया था, वो रास्ते में ही है, कुछ ही देर में पहुंचेंगे। आपके लिए कॉफी चढ़ाऊं? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। चिंता मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाज 3 हफ्ते बाद जाने वाला है। 3 हफ्ते? पर तुमने तो 2 हफ्ते कहा था। अब हाँ, 2 हफ्ते, सॉरी मुझसे भूल हो गई। चलो मैं चाय बनाता हूँ। सफर शॉपिंग से वापस आ गया? हाँ, वो सामान लेकर आया, फ्रिज में रखा हुआ है। निगार काउंटर टॉप साफ कर देना। हाँ, मैं डिनर बना रही थी एक्चुअली। थोड़ी देर बाद बना लेना। क्या आप मिस्टर एमिर के लिए सूप बना रही हैं? हाँ वही बना रही हूँ, उनके लिए पाया सूप ठीक होगा। मिस्टर एमिर का खाना तैयार है, मिसेस जेमरे ने ऑलरेडी कह दिया है। मैं बना रही हूँ ना। ठीक है, मैं वरांडा साफ करने जा रही थी, वो कर लेती हूँ। क्या कर रही हो तुम? मैं पाया सूप बना रही हूँ। पाया सूप? एमिर का फेवरेट है ना? मुझे गलत ना समझो तो एक सवाल पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। तुमने सुना को देखा, तुमसे बात नहीं करना चाहती, और एमिर भी नहीं चाहता, वो दोनों तुमसे नाराज हैं।
और वैसे भी उनकी यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तो मैं सोच रही थी, क्या तुम्हें पता भी है तुमने उन्हें कितना हर्ट किया है? कभी सोचा है? हाँ जानती हूँ। तब ठीक है। क्या और कुछ पूछना चाहती हो? नहीं, लेकिन अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उन्हें जरूर समझाऊंगी। तुम्हें एक मौका तो मिलना ही चाहिए। इसकी जरूरत नहीं, जो करना है मैं खुद करूंगी। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए और कुछ नहीं। और इसके अलावा सुकून भी चाहिए। तुम कहाँ हो? उसे शक होने लगा है, जल्दी करो। सुनो, अगर मैं लड़की को उन्हें नहीं दे पाया ना तो उसकी भरपाई तुम्हें देनी होगी। ये लड़की, ये रुक जा, रुक जा। ये फोन भी नहीं उठा रही, कितनी लापरवाही है। मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा और जब ढूंढ लूंगा ना फिर देखना। क्या ये? पाया सूप बनाया है, आपके लिए रोज बनाऊंगी। मुझे ये नहीं पीना, ले जाओ इसे। इसलिए नहीं पीना चाहते क्योंकि मैंने बनाया है? हाँ, तुमने बनाया इसीलिए नहीं पीऊंगा मैं। ये सूप हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए पी लीजिए। आप बिस्तर से उठना नहीं चाहते हैं क्या? फिर बेकार की मेहनत। मैं नहीं पीऊंगा, ले जाओ वापस, जाओ यहां से। ऑलिव ऑयल से बनी कुछ डाइट डिशेस लेकर आई हूँ। ओहो रेहान, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। जब तुम हॉस्पिटल से चली गई थी और एमिर डिस्चार्ज हुआ था, तब डॉक्टर से बात हुई थी। एमिर को इस वक्त नॉनवेज फूड खाना अलाउड नहीं है, इसका कोलेस्ट्रॉल काफी हाई है। डॉक्टर ने डाइट फूड खाने को कहा है, जो मैं लेकर आई हूँ। ये सूप बनाने में बड़ी मेहनत की होगी ना तुमने? हाँ, पर कोई बात नहीं।
निगार, इस सूप को किचन में रख दो और बाकी मैं संभाल लूंगी। ये मुझे दे दो, चलो। ये तो काफी टेस्टी लग रहा है। आप कंफर्टेबल नहीं लग रहे, एक मिनट, यहाँ ये। हरी सब्जियां तो वैसे भी हमेशा खानी चाहिए और अभी तो उनका सीजन भी है। एक मिनट दीजिए, मैं आपको देती हूँ। हाँ, जैमरे, वैसे सूप बहुत अच्छा बना है, चाहो तो तुम पी लेना। मैं सुना के पास जा रही हूँ। सब मैंने नहीं बनाया है तो आराम से खा सकते हैं, चबा कर खाना।